अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर वासिल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम गपोटेशन। नाज़रीन, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, एक चीज़ आपको कॉमन ज़रूर मिलेगी और वो हैं हमारे पठान भाई। नाज़रीन, आप कोई भी कारोबार उठा लें, निचले लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक, हर जगह आपको ये पठान भाई ज़रूर मिलेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में एक पठान भाई तशरीफ़ लाए हैं, मेरा मतलब गुलफाम भाई। तो आइए उनसे उन्हीं का अहवाल जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम गुलफाम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बड़ा उजात का बड़ा करम है मुझ पर। गुलफाम भाई, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि कोई ऐसा काम रह गया है जो आपने अभी तक ना किया हो? मड़ा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको पठान का हाथ ना लगा हो। मड़ा, मजदूरी से लेकर एटम बम तक और चीज को पठान का हाथ लगा हुआ है। ये बात तो है, लेकिन गुलफाम भाई, आपके यहाँ बच्चे ज्यादा क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है? वह मड़ा, हमारे यहाँ 10 से कम बच्चा पैदा करने वाले को इज्जत का निगाह से नहीं देखा जाता, इसलिए हमको अपना इज्जत बचाना पड़ता है। अच्छा, मतलब आपकी सारी जिंदगी इज्जत बचाने के चक्कर में गुजर जाती है? हाँ ना, मड़ा ठीक समझा है तुम। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पठानों के अलावा मुआशरे में किसी कौम का कोई इज्जत वेजत नहीं है। वैसे अगर आपके यहाँ इज्जत का यह पैमाना है तो फिर हम बेइज्जत ही ठीक हैं। मड़ा, हमारा 15-20 बच्चों में से एक दो दाना सियाना भी निकल आता है, और मड़ा जो हमारा सियाना दाना निकलता है ना, वो फिर किसी के काबू नहीं आता, वो आसमान चू लेता है। मड़ा, तुम इमरान खान को ही देख लो। गुलफाम साहब, एक दो दाना से क्या मुराद है आपकी? आपके बच्चे अंडों से निकलते हैं क्या? ओ खुदाया, एक तो आप इतना कम अकल है कि हर बात आपको समझाना पड़ता है। मड़ा, कोई और सवाल करो। अच्छा गुलफाम भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये जो 2000 की चीज़ आप 800 रुपए में दे जाते हैं, ये क्या सीन है? मेरा भाई, लोग हमको इस अमल की वजह से पागल कहता है, लेकिन हम पागल वागल नहीं है। हम लोग अपना प्रॉफिट का मार्जिन कम रखते हैं, दूसरों की तरह मुनाफाखोरी नहीं करता। ये बात तो है, वैसे इतने कम प्रॉफिट में गुजारा कैसे होता है आपका? मड़ा, हमारे घरों में छोटे से लेकर बड़े तक कमाने वाला होता है, और जब हम शाम को बैठकर हिसाब करते हैं ना, तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, उससे हमारा पेट पूजा हो जाता है। ये बात तो है। और मड़ा, आप तो हर घर से एक एक बंदा कमाने वाला होता है, इसीलिए तो आप मुनाफाखोर बन जाते और हराम का खाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलता है। लेकिन खान साहब, आपके कपड़े अगर कीचड़ से भी भरे हों तो आप नमाज नहीं छोड़ते, इसकी क्या वजह है? मड़ा, मन साफ होना चाहिए ना कि तन। गुलफाम साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मड़ा, एक तो हर बात आपको समझाना पड़ता है, पता नहीं तुम्हें किस खुदा के बंदे ने इस कुर्सी पर बिठा दी है। देखें गुलफाम साहब, मैं मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। काय की मेहनत मड़ा, इस मुल्क में जो बंदा भी कुर्सी पर बैठ जाता है, उसका काम फकत उस कुर्सी पर बैठ कर बक बक करना होता है। अरे गुलफाम साहब, ये वो वाली कुर्सी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वह मड़ा, तुम हमको न समझाओ, कुर्सी कुर्सी ही होता है। गुलफाम साहब, अब आप हद से तजावुज कर रहे हैं। वह मड़ा, तुम हमको ये हद शद न समझाओ, हम जितना सरहद घूमे न, सोच है तुम्हारा। वैसे मुझे लग रहा है कि आप उन दो दानों में से नहीं हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा मुंह मत खुलवाओ, अगर तुमने हमको टीवी पर चलाया तो हम आपको सीधा फेर मारेगा। ओ जा, चला जा, दमाग की दही न बना। और कम बखत आदमी, ज्यादा शोर मत करो, जा रहे हम। नाज़रीन, जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता। आप पंजाबी हूँ, सिंधी, बलोची या पठान, आपस में इतफाक के साथ पाकिस्तानी बनकर रहे हैं। उम्मीद है कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।